हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल संगीता लाइफ। और मैं हूँ संगीता। देख रहे ना मेरे चेहरे में कैसा पसीना हो गया है, और ऐसे पसीना पसीना हो रहा है आजकल। और आज है मेरे हस्बैंड आज मॉर्निंग में एकदम सुबह 6 बजे ऑफिस चले गए, तो आज मेरे को ना उनके लिए ब्रेकफास्ट लंच कुछ नहीं बना। ब्रेकफास्ट में बनाई थी मैंने, सिर्फ उनको ना हल्का सा वो दे दिया था, बिस्किट दिया था। वो बोले कि इतना सुबह सुबह हम खा नहीं पाएंगे, तो सिर्फ बिस्किट हमने दे दिया था उनको। और हमको लग रहा है ना मेरा एक्सपोजर ज़्यादा है, थोड़ा सा मैं कम कर लेती हूँ अब, ठीक है। तो मैंने उनको बिस्किट दिया था, तो वही बिस्किट खा के ही वो गए। सॉरी। तो आज मेरा मॉर्निंग वाला जो है काम रहता है ना मेरा, आज करना नहीं पड़ा, लेकिन खाना बनाना नहीं पड़ा, वो तो अलग बात है। लेकिन मेरे को आज बहुत ज़्यादा क्लीनिंग का काम करना पड़ा, बहुत ही ज़्यादा, मतलब करना पड़ा कि अभी मैं शुरू करूँगी क्लीनिंग का काम, तो वही सब करना है। और मैं अभी जा रही हूँ खाना बनाने। और अभी क्या है ना, जमशेदपुर में जो बारिश हुआ था उसके बाद बारिश जैसे बंद हो गया है, यहाँ पे इतना ज़्यादा गर्मी पड़ रहा है, इतना ज़्यादा, मतलब एसी चलाते हैं ना ठंडा लगने लगता है। मतलब एसी भी हम कुछ बहुत ज़्यादा नहीं अच्छा लग रहा, एकदम एसी ही ज़रूरत है एक्चुअली, कि उमस बहुत ज़्यादा हो गया। एसी चलाने से ठंडा लगता है, और एसी बंद कर दो बाकी कहीं पर भी खड़े हो जाते हैं, पंखा के नीचे बैठते थोड़ा सा राहत रहता है। जैसे किचन में तो और पंखा नहीं है ना, तो एकदम पसीना 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 भीग जा रहा है। अभी मैं बर्तन वगैरह क्लीन किया था मॉर्निंग का, तो मेरा ये हाल हो गया है, मतलब बहुत ज़्यादा परेशान। और पूरा मेरा, मतलब जो कपड़े पहने ना, तो अंदर पूरा गीला गीला हो गया, मतलब दर्द पसीना हो रहा है, इतना ज़्यादा यहाँ पर गर्मी हो रहा है अभी। तो मैंने जा रही हूँ अभी लंच बना लेती हूँ, तो थोड़ा सा ज़्यादा मैं बनाऊँगी। तो मैं आज जो बनाती हूँ आपके साथ ना, एक स्पेशल रेसिपी मैं शेयर करूँगी, जो स्वीट पम्पकिन आता है ना, कोई कोई इसको कुमड़ा बोलते हैं, कोई कोहड़ा बोलते हैं, कोई कदीमा बोलते हैं, कोई सीताफल बोलते हैं, हर जगह में अलग अलग बोलते हैं। तो जो स्वीट पम्पकिन है इंग्लिश में बोलते हैं, तो ये सबको समझ में आएगा, इसीलिए उसका ना मैं आज भरता बनाने वाली हूँ। उसका जो भरता बनता है, उसका फ्राई बनता है, उसका करी बनता है, उसका खटाई बनता है, उसका ना बहुत सारे वेराइटी बनता है, और ये बहुत ज़्यादा हेल्दी भी है। जो कुमड़ा है ना, ये हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है, बहुत हेल्दी एक वेजिटेबल है ये, इसको खाना चाहिए। तो आज मैं ना कुमड़ा का भरता बना रही हूँ। तो ये बंगाली लोग जो बंगाली है उनको तो मालूम ही है, क्योंकि कुमड़ा का भरता हर बंगाली के घर में बनता है, चोखा बोलते हैं। और हम लोग बंगाली में बोलते हैं ना इसको कुमड़ा भाती, ये रखो कुमड़ा माखा, कुमड़ा भाते ऐसे बोलते हैं, कुमड़ा बोलते हैं बंगाली में। और जिन लोगों को नहीं मालूम उन लोग देख सकते हैं। और ये बहुत अच्छा लगता है खाने में, कभी कभार टेस्ट के लिए तो अच्छा ही लगता है, और फर्स्ट बार कोई कुछ खाते हैं ना तो शायद ना अच्छा लगे। जैसे मैं कभी कढ़ी नहीं खाई थी जब बंगाल में रहती थी, तब मैं जब छत्तीसगढ़ में गई ना, मैं जब कढ़ी खाई ना मुझे अच्छा नहीं लग रहा था फर्स्ट जब मैं खाई, और उसके बाद वो भी हॉस्टल का कढ़ी, थोड़ा सा तो अलग होता ही है। और बाद में ना यही कढ़ी आज खाते खाते मुझे इतना पसंद है, अभी मैं कढ़ी बहुत मन से खाती हूँ। तो ऐसे ही होता है, फर्स्ट टाइम अगर कुछ खाओ वो अच्छा नहीं लगता है, लेकिन एक कुमड़े का भरता बहुत अच्छा लगता है। कभी आज मैं आप लोगों के साथ ये रेसिपी शेयर करूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कुकिंग। मैंने यहाँ पे प्याज को फ्राई कर लिया है, और तो प्याज जो फ्राई हो गया है ना, कुछ प्याज को मैं उठा के रख दूंगी, और वो भरता बनाने के लिए कुमड़ा का भरता थोड़ा सा मैंने उठा के रख ली हूँ। अब ये जो फ्राई हो गया है इसी में सब कुछ मसाले मैं डाल दूंगी। इसमें है हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर, क्योंकि मैं अंडा करी बनाने वाली हूँ, हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर, और हल्का सा सब्जी मसाला पाउडर भी मैंने इसमें ऐड किया है, और हल्का सा इसमें और मैंने कुछ डाला नहीं है इसमें। सारे मसाले डाल के इस मसाले को बहुत अच्छे से भून लेंगे, क्योंकि मुझे ना अंडा करी बनाना है आज। अंडा को ना पहले से मैंने आलू काट के, और आलू को भी बॉईल कर लिए है, अंडा को धो के आलू के साथ मैं डाल दी थी, और अंडा को मैंने बहुत अच्छे से धो लिया था। धोने के बाद ही आलू में डालना चाहिए, क्योंकि आलू को मैंने छील के इसमें डाले हैं, इसलिए अंडा धो लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अंडा तो गंदा जगह में रहता है ना। तो फिर इसको अच्छे से क्लीन करने के बाद तब मैंने कुकर में एक साथ बॉईल किया, और अंडे का छिलका मैं निकाल लूँगी। आलू ऑलरेडी बॉईल हो चुका है, उधर सब्जी मेरा पक रहा है, मसाले पक रहा है। इस साइड मसाले मेरा बिल्कुल पक चुका है, ऑयल रिलीज कर दिया है, तो इसी में मैं डाल दूँगी आलू और अंडा, और इसमें टमाटर, एक टमाटर के भी डाल दूँगी,
और इसको दो चार बार मिला के और एक से दो मिनट ऐसे भून लेंगे, उसके बाद इसमें पानी डाल देंगे। बस अंडा करी मेरा बन के रेडी हो जाएगा। इधर मैंने कुकर में पम्पकिन रख के इसको मैंने बॉईल कर लिया है। और स्वीट पम्पकिन जो होता है ना, बहुत ज़्यादा हार्ड तो होता नहीं है, तो इसे ना कुकर में हाई फ्लेम में रख के एक सीटी दे के मैंने बॉईल कर लिया है। अब ऐसे भी नॉर्मल कोई सॉस पैन में या कढ़ाई में रख के भी इसको बॉईल कर सकते हैं। कुकर में मैंने हाई फ्लेम में जल्दी हो जाएगा बोल के मैंने जल्दी जल्दी कर लिया है। इसे थोड़ा सा ठंडा होने देंगे क्योंकि इसको अल्टीमेटली मैश करना है। अगर आपको लगता है ना इसमें बहुत ज़्यादा पानी लग रहा है तो थोड़ा सा निचोड़ सकते हैं इसमें, लेकिन मैं जो जल्दी मैंने एक सीटी लगाया ना, तो इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा पानी नहीं आया। तो इसमें ना ये बहुत ज़्यादा गर्म है बोल के मैंने इसे छोटा छोटा टुकड़ा करके ऐसे अभी रख दे रही हूँ। बाद में इसको भरता बनाऊँगी क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा गर्म है, दिख नहीं रहा था ना, मुझे पता नहीं था जो दिख नहीं रहा था, क्योंकि मैंने बाद में वॉइस ओवर कर दे रही हूँ और सूट तो मेरा पहले ही हो चुका था। तो इसको मैं ठंडा होने के लिए छोड़ दे रही हूँ। और दो लाल मिर्च को मैंने ऐसे फ्राई कर लिया था और प्याज को फ्राई कर लिया था। इसी भरता में ये जाएगा और ये तब तक ठंडा होगा। तब तक मैं जा रही हूँ, कुछ और भी काम कर लेते हैं। अंडा करी को मैं चेंज कर लेती हूँ एक बोल में और मेरा कढ़ाई भी खाली हो जाएगा। बाकी जितना बर्तन अभी निकलेगा ना, सारे को मैं वॉश करके फिर मैं घर में पोछा भी लगाना है, फिर मुझे शावर लेने जाना भी है। अब मैं भरता बनाऊंगी, ये ठंडा हो गया है। इसमें मैंने मस्टर्ड ऑयल और नमक ऐड कर दिया था पहले से और इसको इस तरह से मैश कर लेना है अच्छा से हाथ दे के। ये जिन लोग खाते हैं वो तो जानते हैं कितना टेस्टी लगता है, जिन लोग नहीं खाए हैं वो ज़रूर इसको कभी बना के खाएं। और जितना कलरफुल फ्रूट और वेजिटेबल्स आता है ना, वो बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है। स्वीट का पम्पकिन जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्दी एक वेजिटेबल है, आप गूगल करके देख सकते हैं। इसलिए इसको ज़रूर अपना जो खाने में ज़रूर शामिल करें। बहुत लोग हैं ना इसे नहीं पसंद करते हैं, इवन मैं भी नहीं पहले पसंद करती थी मैं जब छोटी थी। अभी मैं बहुत पसंद करती हूँ, जब से मेरा हॉस्टल में गई ना, मुझे ये सब मिलता नहीं था। और 15 इयर्स मैं हॉस्टल में रही हूँ, तो हॉस्टल में रहने की वजह से मुझे ये सारे वेजिटेबल्स खाने का आदत पड़ गया है और ये अच्छा भी लगता है अभी। तो ये ज़रूर खाएं, बहुत हेल्दी वेजिटेबल्स है। ये देखिए इसका कलर कितना अच्छा लग रहा है, कितना सुंदर एकदम येलो कलर है एकदम।
और ये भरता बन गया है, एकदम रेडी है। इसमें ना बहुत लोग कच्चा प्याज भी डालते हैं, कच्चा प्याज डालने से ना ये बहुत ज़्यादा टाइम टिकता नहीं है, अभी गर्मी बहुत ज़्यादा है इसलिए मैं फ्राई करके डाली हूँ। फ्राई करके भी बहुत लोग बनाते हैं, इसका एक अलग फ्लेवर है, कच्चा प्याज से भी बनाएंगे तो उसका एक अलग फ्लेवर है। और मेरा जानते हैं भरता बनाने के बाद हाथ बहुत जलता है, मेरा जो हाथ का स्किन है ना बहुत पतला है तो अभी तो बहुत ज़्यादा जलेगा। इधर मेरा चावल भी लगभग हो ही गया है, इसका मार निकाल देंगे। और मेरा अभी किचन का काम कंप्लीट है, किचन मैंने पोछ पाछ भी कर लिया,